हे गाइस, हेलो, कसा काय केम छो? सब मस्त, अपन भी मस्त। तो फाइनली मैं निकल रहा हूँ गुजरात के लिए। ये बैकग्राउंड नॉइस, थोड़ा बच्चे लोग खेल रहे तो एडजस्ट कर लेना। तो अभी मैं निकल रहा हूँ गुजरात के लिए। वैसे निकलना था सुबह, और वैसे मेरे को निकलना था सुबह 5 बजे, पर मेरी आँख ही नहीं खुली क्योंकि लेट सोया था एक शूट की वजह से। तो अभी मैं निकल रहा हूँ दोपहर को, दोपहर मतलब ऑलमोस्ट शाम हो गई है, 4 बज गए। तो 4 बज रहे और देखते 9 बजे तक पहुँचने का टारगेट है, क्योंकि मैं काफ़ी सेफ चलाता हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं चलाता, इसके लिए थोड़ा लेट टारगेट है, पर पहुँच जाएंगे, खाते पीते जाएंगे मस्त आराम से। तो चलो, और हाँ, ये है सोलो राइड, अकेला मैं हूँ और सामान बहुत है मेरे साथ, तो वो सब लोड करते हैं बाइक पे और निकलते हैं, और चलो मेरे साथ। तो गाइस, फाइनली बाइक लोड हो गई है। यहाँ पे ये बैग और इसके अंदर ये टेंट, और यहाँ पे से सब जुगाड़ किया है। तो गाइस, बहुत मेहनत लगी इसमें, मेरे दोस्त लोग ने हेल्प किया, वाइबो और रुद्रा और याद नहीं है, पर हो गया है आखिरकार। तो अभी निकल सकते गुजरात के लिए, और बच गए अभी 4। पेट्रोल भर लिया है, टैंक इज फुल, तो चलो अभी निकलते सीधा। हवा भरना था पर काफ़ी ज़्यादा लाइन है। व्हाट्स अप गाइस, तो अभी मैं पहुंच गया हूँ एक ढाबे पे, जो कि अपने मेरे एरिया से 80 किलोमीटर के दूरी पे। 80 किलोमीटर कब कवर हुआ है मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि इतना स्मूथ रोड, ऐसा लग रहा है कि बटर पे मैं बाइक चला रहा हूँ, एकदम फटफट फटफट निकल रहा है बाइक। और 80, 90 और 120 का स्पीड तो ईजीली आ जाता है। अभी फिलहाल ये ढाबे पे रुका हूँ, यहाँ पे पीछे बाइक रखी है, कहाँ गई बाइक, हाँ वो रही, वहाँ पे बाइक रखी है। तो ऐसे ही कुछ वेफर खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं खा के चलाता नहीं हूँ, और एक बार गुजरात पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे तो मस्त खाना ही है। ये जैकेट बहुत काम आ रहा है, ये एक है ना, मतलब ऐसा राइडिंग जैकेट जैसे ही काम आ रहा है, और ग्लव्स भी मस्त काम आ रहे हैं एकदम, तो मज़ा आ रहा है। और गाइस, अभी मैं अराउंड 1 आवर के अंदर 80 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ, और मुझे अप्रॉक्स 90 किलोमीटर जितना रहेगा, शायद ज़्यादा नहीं है, तो आराम से पहुँच सकते हैं। और मेरे को है ना 1% की थकावट नहीं हो रही है। ये वॉशरूम यूज़ किया मैंने, यहाँ पे मस्त सनसेट हो रहा है, और सनसेट के साथ साथ बाइक राइड करने को अलग ही मज़ा आता है। और ये जो हमारी बाइक खड़ी है, NS एक नंबर बाइक है, सच बोलूँगा, क्योंकि जो मस्त और स्मूथ ये निकलती है ना हाईवे पे, मालूम ही नहीं पड़ता कब किलोमीटर्स कवर हो रहे हैं। मैं गुजरात के हाईवे पे पहली बार आ रहा हूँ, पर इतना मस्त हाईवे है ना, क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता है। वो भाई क्या कर रही है गाय, लगता है ये गाय के बच्चे को मेरी बाइक पसंद आ गई है। बाकी बाइक एकदम फटे लोडेड है, और ये जो है ना टेंट लगा हुआ, इसकी वजह से मेरे को बैक रेस्ट मिल रहा है, मतलब ऐसा पीठ पे ऐसा मस्त सपोर्ट मिल रहा है। गाइस, तो ये महाराष्ट्र का बॉर्डर आ गया है, इसके बाद गुजरात चालू ब्रो। इतना बड़ा है ये, कैसे बताऊँ मैं, काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है ये पूरा टोल, और इसके बाद गुजरात चालू है। यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा जगह है ये। तो चलो, बाय बाय महाराष्ट्र, चल चीता तू। गाइस, रात हो चुकी है, और अपना जो फॉग लाइट है वो हाईवे पर बहुत अच्छे से काम आ रहा है। अभी सुसु ब्रेक के लिए रुका हूँ, और फिर आगे निकलते हैं। वेदर मस्त है, ठंडा ठंडा है, अच्छा है, जैकेट वैकेट लेके आया। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए वलसाड़ सिटी, जो कि गुजरात में आता है। इधर के रोड पे बहुत रफ ड्राइवर लोग हैं, पर काफ़ी जल्दी पहुँच गए यार, बहुत अच्छा रोड बनाया है मुंबई से गुजरात तक का, और मज़ा आ गया। काश रोड आपको दिखा पाता, पर नहीं दिखा पाए, ये रोड स्ट्रीट लाइट्स की कमी है यहाँ पे, पर काफ़ी अच्छा रोड है। सो गाइस, फाइनली पहुँच गए, 7:30 हो रहे अभी, ऑलमोस्ट कुछ 3 घंटे लगे पहुँचने में, और टोटल 170 किलोमीटर था, तो काफ़ी अच्छे स्पीड से कवर किया, मतलब ऐसा स्पीड चला कि स्पीड में कवर नहीं किया, नॉर्मल स्पीड में अच्छे से कवर किया। और अभी यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, नाम नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं रहूँगा। तो गाइस, यहाँ पे पार्क कर दिया, अभी फटाफट ये बैग निकालते और डायरेक्ट ऊपर जाते। अभी गाइस, कल जो है मैं जाने वाला हूँ मेरे गांव, और वहां पे एक स्कूटर है जो कि बहुत पुराना है, 90s के ज़माने का है,
तो वो स्कूटर को मैं रिस्टोर करने वाला, फुल नया बनाने वाला हूँ, और बिफोर आफ्टर वाला सीन देखेंगे। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ वॉक पे, क्योंकि मैंने जो पाव भाजी खाया काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था, पर उसमें ना ऐसे थोड़ा वो क्या बोलते हैं दाबेली का टेस्ट आ रहा था, पर अच्छा है, तीखा था, क्योंकि गुजराती लोग मीठा खाते हैं और मेरे को जमता नहीं है ना गुजराती, ऊपर मेरे को तीखा चाहिए, तो तीखा था और मस्त पाव भाजी था, मज़ा आ गया। अभी हो गया गुजराती लोग कैसा खाने के बाद सोडा पीते पान खाते, तो परंपरा निभाते सोडा पीने जाते। एक्चुअली मेरे बिल्डिंग का टेरेस बंद कर दिया, नहीं तो ऊपर से ये सारे रो हाउसेज है जो आजू बाजू, इसका मस्त व्यू आता है, पर अभी अनफॉर्चुनेटली बंद है। पर ये बहुत बड़े बड़े मस्त मस्त बंगलो बना के रखे और ऊपर से मस्त दिखता है, मतलब ऐसा ये वलसाड़ का वो पॉर्श एरिया बोल सकते हो आप, और काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे देखो ऐसे बैंड्रा टाइप फ्लैट्स है। और अभी वॉक करने निकले हैं, क्योंकि मुंबई में तो वॉक मैंने छोड़ ही दिया है, अभी इधर कर रहे वॉक, मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा वेदर है। अभी सोडा किधर मिलेगा ये सब मेरे को पता नहीं है, पर ढूंढते सोडा वोड़ा ढूंढते पीते और मस्त सोते, क्योंकि कल का दिन मस्त होने वाला है और कल का व्लॉग भी मस्त होने वाला है। इधर इतना जल्दी सब कुछ बंद क्यों हो जाता है यार, यहाँ पे एक केक शॉप है, मस्त पेस्ट्री खाने का मन हो रहा है, पर वो कल खाएंगे, क्योंकि हम इधर है अच्छे खासे दिन है, 4-5 दिन है। वुडलैंड भी है, लेंसकार्ट भी है, डोमिनोज भी है, थिएटर भी है, और क्या चाहिए, पीटर इंग्लैंड भी है, ओ माई गॉड। सोडा की दुकान मिल गई है, सोडा पीते आ जाओ। ये वाला होटल अच्छा लग रहा है, सोच रहे कल रात को इधर ही डिनर कर ले। मजा आ गया, अभी पड़ती सर पे। सो गाइस आज का व्लॉग इधर ही एंड करते, गुजरात के सड़कों पे। व्लॉग अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि अभी व्लॉग आती रहेगी।